एसोसिएशन इसका गठन मैंने 2009 में 23 जून के दिन किया था। फाउंडर मैं हूँ और सबसे बड़ी खुशी की बात शैलेश दुबे जी जो आपके सामने हैं, ये इस समय यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि ये आपके साथ दो शब्द यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में कहें और इसके अचीवमेंट के बारे में कहें। शैलेश दुबे जी, मैं एडवोकेट शैलेश दुबे, यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। 2009 में इसकी स्थापना की गई थी और आप लोगों के मदद के साथ में आज इसको 11 साल पूरे हो चुके हैं और आप लोगों की ऐसी मदद रहेगी, आगे भी इसे कंटिन्यू किया जाएगा। सन 2009 से आज तक आप लोगों के सहयोग से यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन ने बहुत ही अच्छा अच्छा काम किया है, ये सब आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। बाकी अभी हमारे यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन, यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट नौशाद खान जी हमारे साथ में है, दो शब्द ये बोलेंगे। हमने जो कोरोना में काम किया उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार। यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन जो है आज इसकी 11वीं स्थापना दिवस है, इस मौके पर हम आपको बताना चाहते हैं यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से कोरोना का जो मामला चल रहा था हमारे देश में, जो महामारी चालू हुई है, इसके लिए हमारे सभी साथियों ने मिलकर काफी मेहनत की है। इनके मेंबर आपके सामने सब। नमस्कार, मैं हाल में इसमें जुड़ा हुआ, इनके थोड़े कार्य देखे, प्रयत्न करूंगा कि इसमें भविष्य में कुछ और मेंबर्स जुड़े और ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कर सके। यूनिटी जैसे नाम है, हिंदू मुस्लिम जो भी हो सब कम्युनिटी के लिए काम करने की कोशिश करेंगे और यही सबसे आशा है कि सब जुड़े और आगे आगे बढ़े। लोकेश मित्रा जी, यूनिटी वेलफेयर जो एसोसिएशन है उससे हम 2009 से जुड़े हुए हैं और उसके साथ कैसा कि भाई इसके साथ जब शुरुआत किए थे तो हम लोग साथ में मिले, फिर मैंने फेसबुक पे बहुत सारे देखे और कार्य अच्छे लगे तो फिर हम वापस उनके साथ मिलकर कार्य की शुरुआत की। फिर आ जाएगा।